देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुरी में रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर के एक सेवादार में हुई कोरोना की पुष्टि। पुरी ओडिशा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के एक सेवादार की जांच में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव से पहले मंदिर के पुजारियों पुलिस कर्मियों की अनिवार्य कोविड-19 जांच के दौरान यह मामला सामने आया। बतौर अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सोमवार को 1,143 सेवादारों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, तो वही सूरत में कैनरा बैंक की महिला कर्मचारी को पीटते हुए एक कांस्टेबल का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। पुलिस ने मंगलवार को कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, तो वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मामले पर ट्वीट किया, इस मामले पर करीब से नजर रखूंगी, किसी भी चीज से बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा व मर्यादा को खतरा नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए गए बाप बेटे की मौत। थूथुकुड़ी में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद 58 साल के व्यक्ति और उसके 31 वर्षीय बेटे की 22 जून और 23 जून को मौत हो गई। एसपी अरुण बालगोपालन ने दावा किया कि दोनों की मौत स्वास्थ्य दिक्कतों के कारण हुई, तो वहीं लोगों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।